नमस्कार सर। संगीत नाटक अकादमी में दिल्ली, संगीत नृत्य व नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान है। सहयोग प्राप्त है इस रंग संगम के लिए संस्कृति विभाग के मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन टीकमगढ़। लोक कलाओं पर केंद्रित लोक कलाओं के संवर्धन प्रोत्साहन के लिए संगीत नाटक अकादमी का यह प्रतिष्ठा आयोजन, जिसके आप साक्षी सहयात्री होते हैं, आपका अभिनंदन स्वागत है। सभी कलाओं का उद्गम लोक कलाओं के माध्यम से होता है। लोक कलाओं के आधार पर ही शास्त्रीय दृष्टिकोण स्थापित होता है और उसका अनुशांगिक स्वरूप या उसको अनुशासनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का दायित्व शास्त्रीय का रहता है। तो आज इस प्रसंग में हमारे बीच में उपस्थित हैं राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, जिनका लोक कलाओं के संवर्धन प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान है। आप बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं, बुंदेलखंड की सभी कलाओं के आप पारंगत कलाकार भी हैं और साथ ही लगातार इसके संवर्धन के लिए कार्य भी करते आ रहे हैं। अभी हाल में ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में एक 5 दिवसीय आयोजन किया और उस आयोजन का आधार ही लोक कलाओं पर केंद्रित करके किया गया था। उसका उद्देश्य लोक कलाओं के संवर्धन प्रोत्साहन किया था। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी उपस्थित हैं। बहुत सारा शोध कार्य इनका लोक कलाओं पर भी रहा है, आधुनिक रंगमंच पर भी रहा है और लगातार रंगकर्म करते आते हैं। एक संजीदा रंगकर्म करने के तौर पर आपकी अपनी अलग प्रतिष्ठा है और आज जो बुंदेलखंड जिसे हम कहते हैं कि लोक कलाओं की खान है और चूंकि ये उसके प्रतिनिधि कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित और स्थापित हैं, आज का जो विषय है वो है लोक नाट्य स्वांग की प्रासंगिकता एवं बदलता स्वरूप। तो इस विषय पर ये अपना व्याख्यान देंगे। कर्तध्वनि के साथ इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे संस्कार अतिथियों का स्वागत, उनका अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित हैं संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव नाट्य विभाग के आदरणीय सुमन कुमार जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि अभिनंदन स्वरूप इस व्याख्यान के जो विद्वान हैं उनका पुष्प द्वारा आग्रह। वर्षजनों के माध्यम से उनके कार्यक्रमों द्वारा जब किसी युवा कलाकार का अभिनंदन होता है तो उसके लिए अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है, जिसका आभास हमारे बीच में है। राजी माता जानकी, निर्मल है शुभधाम, भय करील पावन जहां, भय करीला धाम। मंच पर आसीन गुरुतुल्य श्री सुमन कुमार जी, बड़े भ्राता श्री अशोक आनंद जी, गुरुजन और इस सभाग्रह में उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बड़ा उत्साहित और लालायित भी हूँ कि मुझे इस अवसर पर युवा होने के नाते मुझे मौका दिया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा भी है, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक युवा दृष्टि के लिए जो एक चुनौतियाँ होती हैं उसको समझना और उसको आगे लाने में जो इस समय सुमन सर संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जो कार्य कर रही है उसके लिए दिल से मैं उनको साधुवाद और प्रणाम करता हूँ और इस मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ मेरे भाई श्री संदीप श्रीवास्तव जी का भी। नरसिंहपुर कार्यशाला के दौरान उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। मूल बात यह है कि जहाँ तक सर ने बताया कि बुंदेलखंड का जो स्वांग है वो लोक नाट्य विधा आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोक नाटक को समझते हैं तो लोक की अवधारणा बहुत बड़ी है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े व्याख्याकारों ने लोक की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, समझा है। लोक और फोक में भी बहुत अंतर स्थापित किया है खासतौर से। लेकिन जब हम लोक की भारतीय दृष्टि की बात करते हैं या भारतीय चेतना की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है
जिनको हम खास तौर से कोट करते हैं, तबला वात्स्यायन जी और जगदीश चंद्र माथुर जी। मूल रूप से हमारी दृष्टि जो हो जाती है वो हम एक वेस्टर्न जो राइटर है या वेस्टर्न जो साहित्यकार है, जब वो अपनी बात को रख देते हैं और उनकी बात को हम अमूमन अपनी रिसर्च में कोट करते हैं, लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने वास्तव में भारत की दृष्टि से समझा है, उनको हम रिसर्चर होने के नाते अमूमन कोट करना भूल जाते हैं। हम ब्रेक्ट की बात को कोट करते हैं, पीटर ब्रुक की बात को कोट करते हैं, रिचर्ड शेखनर की बात को कोट करते हैं। रिचर्ड शेखनर जब रामनगर की रामलीला में आकर उस विजन उस दृष्टि को दिखाता है तो हमारा सारा का सारा रुझान और रामनगर की रामलीला की तरफ चला जाता है, लेकिन 500 साल पहले से हमारी दृष्टि उसकी तरफ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो एक दृष्टि बन रही है जिसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें, वो दृष्टि भारतीय दृष्टिकोण से देखने की आज बहुत आवश्यकता है। जो किताबी बातें हैं उन पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा खासतौर से, लेकिन दो तीन पॉइंट मैं जरूर करना चाह रहा हूँ। लोक की जब हम बात करते हैं तो लोक का जिक्र भारत के वेद पुराण उपनिषद साहित्य परंपराओं में हर जगह मिलता है और हर रूप में लोक शब्द की अलग अलग व्याख्या है, लोक के अर्थ भी अलग अलग है। देवलोक, नागलोक, पाताल लोक, भूलोक, धरती लोक, तो ये शब्द अभिप्राय करता है कि एक जन समुदाय कम्युनिटी और स्थान दो चीजें, और कहीं लोक का सीधा संस्कृत की व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो लोक का अर्थ निकलता है दो शब्द अक्षरों से मिलकर बना है देखना। महाभारत में भी एक श्लोक मिलता है, प्रत्यक्ष दर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्द्र, जो प्रत्यक्ष का दर्शन कराने वाला है वो लोक है। तो लोक का अद्भुत संसार है भारतीय दृष्टि में, लेकिन जैसे ही हम इसका अंग्रेजी रूपांतर फोक में कर देते हैं, जो जर्मन वर्ड वोक से बना है और उसका भी अपना एक लंबी चौड़ी परंपरा है साउथ अफ्रीका और वहां से लेके जो शब्द ट्रेवल करता हुआ आया, तो कहीं ना कहीं जो उसका मूलभूत जो हम अर्थ समझते हैं मोटी मोटी भाषा में, वो ये कहते हैं कि अभद्र अश्लील बेतुका या बेडंगा, जो मूल अर्थ निकलता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय विद्वान है उन्होंने बहुत जोर से ये बात कही है कि भारत की लोक परंपराओं के लिए या ग्रामीण या आंचलिक या पारंपरिक परंपराओं के लिए लोक शब्द का प्रयोग करना तर्कसंगत नहीं। लोक की जगह अगर हम परंपरागत, परंपराशील, पारंपरिक या ट्रेडिशनल शब्द प्रयोग करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उसी क्रम में बुंदेलखंड का स्वांग आता है। मूलभूत से अगर स्वांग शब्द की हम व्याख्या करें तो सुआंग, एक तो आंगिक, आंगिकम भवनम यस्य वाचकम सर्वांग वांगमयम आहार्यम चंद्र तारा दीप्तम नमः साकीतम शिवम, ये श्लोक में पूरा अर्थ वर्णित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका अंग संचालन है, समग्र वांगमय जिनका संवाद है, चंद्र ताराओं से जो विभूषित है, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्याभिनय प्रस्तुत है। और सु उपसर्ग लगाने से आंगिक में वो सुआंग बन जाता है, अभिप्राय आंगिक रूपों का अलग अलग ढंग से जो प्रस्तुतिकरण है वो स्वांग है, जिसको देशक भाषा में या बोलियों में स्वांगना, स्वांगी, सांग ये शब्द प्रचलित हो गया। लेकिन एक मोटा मोटा अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं तो उसका सीधा अर्थ निकलता है रूप रखना, नकल करना, कॉपी करना, मिमिक्री करना, अनुकरण करना, जो नाट्य की बड़ी बड़ी अवधारणाएं हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, स्टानिस्लावस्की, ब्रेक्ट, पीटर ब्रुक, आर्तुर ग्रोडोवस्की, इन सब ने जो अभिनय की बड़ी बड़ी थ्योरियां दी हैं, लेकिन अगर हम मूलभूत दृष्टि से गौर करें तो स्वांग में सब कुछ समाहित है। अल्टीमेट हम नकल ही करते हैं, आवरण ही करते हैं, चाहे चरित्र को आंतरिक समाहित कर ले या उसमें एलिडेट कर ले, तो स्वांग की यह मूलभूत विशेषता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से पहले अगर हम व्यापक दृष्टि से बात करें, जैसा सर ने बहुत सटीक रूप से कहा कि सांगीत सांगीत का ही स्वरूप है जो अपभ्रंश में आके स्वांग बना, और भी कई परंपराएं हैं जहां में स्वांग का जिक्र मिलता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अगर हम समझें तो वेद का जो जिसको मिथ बोलते हैं, मिथ ग्रीक वर्ड माइथोस से बना है जिसका अर्थ होता है कल्पना, उसी तरह से हिस्ट्री जो शब्द है वो भी हिस्ट्री से बना है जिसका भी अर्थ होता है कल्पना। तो मूल रूप से अगर काल्पनिक या माइथोस दृष्टि से हम स्वांग पर विचार करें तो एक बहुत प्रचलित कथा ना मुझे सुनने में मिली लोक किंवदंतियों में कि भस्मासुर ने जब वो उसको वरदान हासिल हो गया कि जिसके सर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसने सोचा कि सबसे पहले तो लोक सुंदरी जो पार्वती हैं उनको ही क्यों ना हासिल किया जाए। तो
तो शिव जी के पीछे भस्म करने के पीछे वो भाग रहा है और शिव जी आगे आगे भाग रहे। आखिर जाके ये सारी स्थिति को समझते हैं हमारे विष्णु जी और फिर उन्होंने मोहनी रूप को धारण किया और मोहनी रूप को धारण करके उनसे नृत्य आदि अंग आंगिक क्रियाएं करवाई, अंगहार क्रियाएं जिसमें हम कहते हैं नृत्य करवाया। और नृत्य के दौरान वो क्रियाओं के दौरान वो सर पर हाथ खुद लेकर जाती है मोहिनी और इसी भावावेश में वो भी सर पर हाथ लेकर जाता है भस्मासुर और वो भस्म हो जाता है। तो यहां से हमें पौराणिक या किंवदंती के नुमा मिथ में हमें कहानी मिलती है। इसके अलावा अगर हम अपनी भारतीय मिथ जितने हमारे पुराण महाकाव्य हैं उन पर भी गौर करें तो वहां पर भी हमें स्वांग या रूप रखने के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण मिलता है सबसे कि जब जो मारीच और सुबाहु आते हैं, रावण भी जब आता है तो वो वेश बदल के आता है और छोटे छोटे किरदार, हनुमान जी जब वो थे तो वो संत जी का जो रूप बना रखा था पंडित का, तो ये छोटे छोटे जो रूप रखना है ये वास्तव में एक स्वांग ही था जो महाभारत में पुराणों में और धीरे 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 हमारी ऐतिहासिक परंपराओं में आते चले गए। उनका कालांतराल में इस्तेमाल करने लगे हम लोग बहरुबिया नाम से जो एक परंपरा हुआ मूल रूप से स्वांग का ही रूप है। बहुत उत्कृष्ट बात कही थी सर ने कि हम अगर ग्लोबल परस्पेक्टिव में व्यापक दृष्टि से देखें तो स्वांग का अभिप्राय है रूप रखना स्वरूप बनना। तो जितनी भी लोक नाट्य विधाएं हैं वो अपने आप में वास्तव में स्वांग ही, चाहे वो हम गुजरात में उसको भवाई बोलें, जम्मू कश्मीर में उसको भांड पाथिर बोलें, भांड जश्न बोलें, पंजाब में भांड मरासी बोलें, हरियाणा में सांग बोलें, नकाल, जितनी भी परंपराएं वो मूल रूप से स्वांग ही हैं। लेकिन एक दृष्टि को थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि इसमें धार्मिकता नहीं आएगी, धार्मिक जो लोक नाट्य है उसको हम थोड़ा इसे दूर रखेंगे क्योंकि इसका मूल जो कोर है वो प्रहसनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, सैटायर और फार्सिकल जिस तरह से बात करता है। इसके बाद स्वांग की जो अनुकरण की प्रवृत्ति है कुछ मूलभूत बिंदुओं पर मैं विचार करना चाहूंगा। अनुकरण स्वांग का इतना पावरफुल होता है कि कई बार मूल जो अनुकरण है वो भी पीछे छूट जाता है। इसका हमें प्रमाण उदाहरण की वेस्टर्न लिटरेचर में भी मिलता है कि चार्ली चैपलिन की एक्टिंग का एक फेस्टिवल हुआ और उसमें चार्ली चैपलिन की कॉमेडी या मिमिक करने वाले बहुत सारे अभिनेता आए और नाम बदल के उसमें चार्ली चैपलिन ने स्वयं भाग ले लिया और जब रिजल्ट आया तो चार्ली चैपलिन स्वयं द्वितीय स्थान पर थे, चार्ली चैपलिन द्वितीय स्थान पर थे और उनका अनुकरण करने वाला अभिनेता प्रथम स्थान पर। तो कई बार स्वांगी मूल भूत जो चीज है उससे भी आगे निकल के वो अपना परफॉर्म करते हैं, ये ब्यूटी है स्वांगी। इसके बाद डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा है, ये हमारा एक माइथोलॉजिकल स्टडी है। अगर हम अब जो वैज्ञानिक ढंग से या साहित्य परंपरा के अनुसार स्वांग को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग जिक्र मिलता है और हमें प्रमाण भी मिलते हैं। दशरथ चंद्र ओझा जी मध्यकाल में सादुल्ला नामक प्रसिद्ध कवि हरियाणा में उत्पन्न हुए और उन्होंने गीतों और लोक नाट्यों के माध्यम से स्वांग की रचना की, ये अपना कोट करते हैं डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा जी। इसी क्रम में पंडित राम गरीब चौबे भी एक जिक्र करते हैं कि अंबाराम नामक गुजराती ब्राह्मण सहारनपुर में निवास करते थे, सर्वप्रथम आधुनिक शैली में उन्होंने स्वांग के गानों की रचना की। तो इस तरह से जो स्वांग की जो हमें परंपरा मिलती है वो उत्तर प्रदेश का हाथरस और हरियाणा का रोहतक, कई कालांतराल में हाथरसी और रोहतक की स्वांग की भी बात करती हैं, जिससे हाथरस से बाद में जो सबसे नवीन लोक नाट्य विधा है नौटंकी उसका जनक हुआ, तो मूल रूप से वो स्वांग होता था। लेकिन बुंदेलखंड की पर्टिकुलर हम स्वांग की बात करते हैं तो लिटरेचर में लगभग आठवीं नवीं शताब्दी के आसपास जो रामलला अछूत थे जो छिताई कथा है उसमें उनका प्रमाण मिलता है। उसके अलावा जो आपके कबीर हैं या गुरु नानक हैं, संत तुकाराम हैं, अन्य जो साहित्यकार हैं जो उनमें भी हमें लोक नाट्य स्वांग के जिक्र मिलते हैं। जैसे कबीरदास जी एक श्लोक करते हैं, कथा होवे तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होत जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक ना नींद सताया। जहां कथा वथा होती है वहां तो तुम्हारा नींद आने लगती है श्रोता को और वक्ता भी मूड पकड़ लेता है कि क्या स्थिति है, लेकिन जहां भी स्वांग और तमाशा हो रहा है वहां तनक ना नींद सताया। तो ऐसे जो प्रमाण मिलता है तो अभिप्राय यह है कि कहीं ना कहीं ये परंपरा प्रचलन में थी। जैसे हम खासतौर से जब भास और कालिदास को कोड करते हैं तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि भास पूर्ववर्ती थे या कालिदास, तो पाश्चात्य जो विद्वान है वो कहते हैं कालिदास, लेकिन भारतीय जो विद्वान है वो कहते हैं भास। तो मूल के कैसे, तो भास के नाटकों में या भास के ग्रंथों में कालिदास का जिक्र नहीं है,
लेकिन कालिदास के नाटकों में, कालिदास के महाकाव्यों में, रघुवंशम या जो अन्य ग्रंथ है उनमें स्वप्नवासर दत्तम या भास की जो कृतियां हैं तो उनका जिक्र है, तो स्वाभाविक है कालिदास से पूर्ववर्ती भास रहे होंगे। उसी तरह से इस तरह की हमें प्रमाण मिलते चले आ रहे बुंदेलखंड के संदर्भ में। जहां तक बुंदेलखंड के स्वांग को अगर हम पैरामीटर के हिसाब से डिवाइड करें कि क्या क्या इनमें स्वरूप होता है, तो इसको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे धार्मिक, सांस्कारिक या पौराणिक, या जो जातिगत स्वांग है, जातियों के हिसाब से भी बुंदेलखंड में राग रागनियां हैं, धुबियाई, धेमरियाई, अहिरियाई, अन्य परंपराओं में, लेकिन बुंदेलखंड में भी पर्टिकुलर राग और पर्टिकुलर वो चीज़ें मिलती हैं। और उसके अलावा तीज त्यौहार खासतौर से नृत्य में प्रयुक्त स्वांग भी हमें यहाँ पे मिलता है। और उसके अलावा फिर लेकिन मूल रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें, मैं रंगमंच का स्कॉलर या जो विद्यार्थी होने के नाते, तो हम मुझे लगता है दो कैटेगरीज में बांटना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ऐसा जो संस्कारिक है, दूसरा मंचीय स्वांग, क्योंकि अदरवाइज तो सारी दुनिया स्वांग है। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, लेक्चर देने का स्वांग कर रहा हूँ और अपन लोग स्वांग सुनने का स्वांग कर रहे हैं, तो मूल अभी अवधारणा तो वो है। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से बात करें तो संस्कार जिसमें जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक जो जो छोटे छोटे बुंदेलखंड के संस्कार हैं, कुआ पूजन है, धनानी का स्वांग है इत्यादि, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मंचीय दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, खासतौर से मुझे समझ आई, और मेरे से ये प्रश्न ही जब मैं अपनी सिनॉप्सिस सबमिट कर रहा था तो पूछा था कि हरियाणा का स्वांग और बुंदेलखंड के स्वांग में क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है। हरियाणा का स्वांग जो है वो मूल रूप से काव्यबद्ध प्रधान ज्यादा है, काव्यात्मकता पोएट्री ज्यादा है, और नृत्य प्रधान है, नृत्य के साथ अभिनय की उसमें ज्यादा प्रमाणिकता है, या यूं कहें कि अभिनय ज्यादा है कंपैरेटिवली डांस, डांस बीच बीच में इन्वॉल्व होता है। लेकिन मूलभूत अगर बुंदेलखंड का स्वांग का हम सीधा कंपेयर करते हैं तो राई नृत्य हो, बधाई हो, कांडड़ा हो, या अन्य जितने भी जो जातिगत नृत्य हैं उनके बीच बीच में, क्योंकि वो रात्रि भर चलते हैं, उनके बीच बीच में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट अधिकतम इसकी प्रस्तुति होती है। तो इसके दो माने जाते हैं कि एक तो जो कलाकार है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा आराम ले लेता है, दूसरा जो मोनोटोनी क्रिएट हो रही है, जो एक रूपता क्रिएट हो रही है, उससे भी ब्रेक मिलता है। तो ये बुंदेलखंड के स्वांग से हमें मूलभूत रूप मिलते हैं। लेकिन जब मैं रिसर्च के दौरान 264 मैंने इंटरव्यू किए लगभग, और बुंदेलखंड में भी रहा, आखिरकार वो सत्य रूप क्या था वो नहीं मिला असलियत। तो जो सत्य रूप था, जो मूलभूत जिसको हम स्वांग के नाम से बुंदेलखंड का जानते हैं, वो नहीं मिला। दो तीन मंडलियां सक्रिय थी, बाकी मंडलियां जो थी वो निष्क्रिय थी, सरकारी आयोजन या अन्य सख्त बोलूंगा, लेकिन मैं बाद में संगीत नाटक अकादमी का इसमें जिक्र करूंगा, सर का जिक्र करूंगा, सर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब सबसे पहली मुलाकात हमारी पटना में होती, जब मैं स्वांग ही प्रदर्शित करता था, तो इस बात को एक लाइन सेंटेंस करके फिर मैं बाद में पुनरावृत्ति करूंगा कि ये सच में बहुत सराहनीय कदम। सर से मेरी व्यक्तिगत डिस्कस भी हुआ था, अमूमन जो मेट्रो सिटीज होती थी, दिल्ली है, बम्बई है या अन्य जगह, वहां पर ही लोक नाट्य की कार्यशालाएं या लोक नाट्यों का प्रदर्शन होता था बड़े बड़े सभागृहों। लेकिन लोक नाट्य के मूलभूत दर्शक हैं कहां? लोग समझने वाले या उसका आनंद लेने वाले तो ग्रामीण अंचलों में ही है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 70-80% है। तो आज इतनी बड़ी संस्था वहां से लेके ग्रामीण टीकमगढ़, नरसिंहपुर, झांसी ऐसी जगह जा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है, जिसको मैंने अपनी थीसिस में बाद में कोट भी किया था। आगे जो मैं बात कर रहा था कि संस्कारिक दृष्टि से बुंदेलखंड के स्वांग की एक और दृष्टि पड़ती है जिसको हमें जिक्र करना आवश्यक है, विवाह के अवसर पर जुगिया या बाबा जी का सोना। जब बारात घर से चली जाती है, अमूमन हिंदुस्तान के बहुत सारे अंचलों में ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुंदेलखंड में ही है, लेकिन बुंदेलखंड के कुछ रूप अलग है। किन दृष्टि में? कि जाने के बाद जब बारात के पूरे लोग घर से चले जाते हैं तो स्त्रियां पुरुषों के रूप धारण करती हैं और अभिनय करती हैं एकल रूप से, मतलब वहां पे पुरुष की एंट्री नहीं होती, कोई बच्चा या पुरुष एंटर नहीं करे, और कभी कभी वो महिलाएं इतनी स्वच्छंद हो जाती हैं कि अभद्र अश्लील जो शब्द है या अन्य चीजें हैं उनका भी जिक्र करते हैं। तो इसके जब वैज्ञानिक दृष्टि से हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है, तो दो तीन दृष्टियां देखने को मिलती है, विद्वानों ने भी कोट किया है, कि पहला ये कि हिंदुस्तान में जो पुरुष प्रधानता का कंसेप्ट है उससे उनको एक समय मिलता है कि अब वो अपनी सारी भड़ास निकाल पाए, तो जितना उनके मन में जो कुछ होता है वो उस दिन अभिव्यक्त करती हैं, उनको कोई
बात नहीं रहती। दूसरी, घर में कोई भी पुरुष नहीं है और रात्रि भर घर की सुरक्षा भी करनी है। आज स्वरूप बदला है, एक दिन की शादी होने लगी। पहले बैलगाड़ियों से जाते थे, हम रवि यादव सर का लंबटेरा भी सुनते हैं, तो बैलगाड़ियों से लंबी लंबी टेरें लगती थी, उसी तरह से लंबी लंबी परंपराएं होती थी। उस परंपराओं की बात हम बाद में करने वाले हैं कि सुबह उठ के चटिया पीसती थी, चटियों की धुन में वो महिलाएं गाती थी। आज अगर बुंदेलखंड की किसी नवी दंपत्ति या विवाहित कन्या से बात की जाए तो उसको मालूम नहीं है, मेरी भी वाइफ जो है उनको मालूम नहीं, मेरी रिसेंटली 7 महीने 8 महीने पहले शादी हुई। तो उसका मूलभूत जाने के पीछे कारण क्या है उस पर हम बाद में जिक्र करते हैं। तो अभिप्राय यह है कि एक संस्कारित स्वांग, जिसमें खासतौर से हम भाभा या जुहिया को प्रधानता देंगे, क्योंकि मूल रूप से वो अभिनय प्रधान है और वो स्वच्छंद रूप से खुले दिल से अभिनय करती हैं। दूसरा मंचीय स्वर, मंचियों में जिसमें हम हरियाणा के राई नृत्य के बीच में है, आजकल स्वांग के एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बनाई जाने लगी। मैं कटु सत्य बोलूंगा थोड़ा सा, मूल रूप से जो स्वांग का मूल कोर है वो इम्प्रोवाइज है, आशु अभिनय प्रधान है और प्रतीकात्मकता उसमें ज्यादा है, लेकिन आज उसको स्क्रिप्टेड कर दिया गया है। स्वाभाविक है जब आशु अभिनय प्रदान होगा या इम्प्रोवाइज्ड होगा तो एक्टर बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि नया एक्टर जो है वो इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। प्लॉट मालूम है, कथा वस्तु स्क्रिप्ट नहीं है, डायलॉग निर्धारित नहीं है, लेकिन एक कंटेंट मालूम है कि इसके इर्द गिर्द रहना है। अद्भुत बोलो, आधा घंटे 15 मिनट या समकालीन समस्याएं जो है तो उस पर वो समकालीन कटाक्ष करते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि सारा का सारा डायलॉग बता दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक है जब एक्टर पुराना होता है तो उसकी इम्प्रोवाइजेशन जो स्किल होती है, रंगमंच के विद्यार्थियों के नाते हम समझते हैं, वो बढ़ती है, लेकिन नवीन कलाकार में इतनी पावरफुल स्किल नहीं होगी। जैसे मैं खुद स्वांग जब मंचन करता था दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी का जब वो हुआ था, तो मंच पर ही वो कलाकार अभिनय भी कर रहा है और उसको एंजॉय भी कर रहा है। हेड आई की जिसको हम बात करते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं तो वो परफॉर्म भी कर रहा है और वो साथ साथ हास्य भी हो रहा है, हंस भी रहा है, उस परिस्थिति का आनंद भी ले रहा है। बुंदेलखंड के स्वांग की एक और सबसे बड़ी विशेषता है जो हम भारतीय नाटक या भारतीय रंगमंच के मूलभूत उसमें देखते हैं, वो है प्रतीकात्मकता। जहां हम रियलिस्टिक या रियलिज्म की बात करते हैं वो भारतीय परंपरा नहीं है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी भी बात भी है और बड़े बड़े जो भारतीय विद्वान हैं वो सटीक रूप से ये बात करते हैं कि रियलिज्म के आने के बाद या शेक्सपियर की जो मंडलियां आई उनके बाद भारत में जो नाट्य की परंपरा विकसित हुई, उनके विकसित होने के बावजूद भी जो भारत की मूल परंपरा है वो प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मक परंपरा रहेगी। हम लोग मूलभूत अंतर करते हैं कथारसिस और रसा सिद्धांत, तो भारत की जितनी रस परंपरा है वो मूल रूप से प्रतीकात्मक होने पर प्रधान है। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर दिखाना है, मैकबेथ का ही सीन चल रहा है, तो चाकू लेंगे, सॉस लगाएंगे, मारेंगे और फिर ब्लड निकालेंगे, तो हम इल्यूजन पैदा करते हैं और भावाभिव्यक्ति होती है। लेकिन जब भारतीय पद्धति के अनुसार संस्कृत का अभिनय करें या लोक का अभिनय करें, ना चाकू होगा, ना सॉस होगा, ना ब्लड होगा, लेकिन मारने का अभिनय करेगा और वो मरने का अभिनय करेगा, दर्शक कहता है वाह क्या मरा है, वाह क्या मारा है, तो वहां आ है यहां वाह। तो ये मूलभूत अंतर जो हमें या जो मूल कोर है वो हमें हिंदुस्तान का जो बुंदेलखंड का स्वांग है उसमें मिलता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो सुनार जाऊदी या लोहटिया का जो स्वांग होता है उसमें जो मशीन चलाते हैं जिसमें भट्टी और वो, तो उपला एक कंडा ले लेंगे, कंडे को जलता हुआ कर देंगे और एक बच्चे को उल्टा लिटा देंगे और उसके पैर को इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे जिससे वो ये प्रतीक पैदा करे कि वो मशीन है वो उस तरह की, और वो धीरे धीरे फूंक मारेगा, तो एक प्रकार का ये प्रतीकात्मक अभिनय है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, मैंने अपने स्वांग की रिसर्च के दौरान पढ़ा कि कन्हैयालाल घोषी नाम के बहुत बड़े स्वांगी थे जिनका देहांत हो गया, एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े को अपने अभिनय से ये सिद्ध करवा देते हैं कि वो नारी है, स्त्री है, अपनी पत्नी है, और उसके बाद दंडों से लाठियों से उसको मारते हैं। तो नारी पे नारी नहीं है, अभिनय नहीं है, स्त्री नहीं है, लेकिन कपड़े के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से जो साड़ी का कपड़ा है या उसको वो क्रिएट कर देते हैं कि वो नारी है और उस ढंग से वो पूरा अभिनय की जो पराकाष्ठा है उस लेवल तक वो ले जाती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े जितनी चीजें हैं उनमें बुंदेलखंड के स्वांगी अपनी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से समय अनुसार बदलती भी गई चीज है। जैसे आज कपड़ों की जगह गुड़िया रख लेते हैं कि जैसे दर्शकों को जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है, लेकिन चीजें वही ट्रेवल कर रही है। रूप की अगर मैं बात करूं तो बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन
का दौर है और हर चीज बदल रही है, समय बदला, चीजें बदली, संस्कार बदले, परंपराएं बदली, बुंदेलखंड भी बदला, तो स्वाभाविक है बुंदेलखंड की भाषा भी बदली। अगर हम भाषा के तरीके से भी बहुत गौर करें तो जो बुंदेलखंड हमारा दो प्रदेशों के बीच बटा हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, खासतौर से अगर आप गौर करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड अंचल है वो सांस्कृतिक दृष्टि से ज्यादा रिच है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड अंचल है वो सांस्कृतिक दृष्टि से ज्यादा रिच नहीं है। उसका मूल कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो अन्य लोक नाट्य विधाएं हैं, जिसमें नौटंकी है, रामलीला है, कृष्णलीला या अन्य विधाएं हैं, खासतौर से आगरा और मथुरा अंचल की प्रचलित भगत जो परंपरा है, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है उत्तर प्रदेश पर, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सीधा हमें मांच मिलता है मालवांचल में और दूसरी तरफ सीधा बुंदेलखंड, तो कंपैरेटिवली बुंदेलखंड की जो राई है, बधाई है, या नौता है, या झिझिया है, या मामूलिया है, या टेसू है, या अन्य जो परंपराएं हैं वो ज्यादा सुदृढ़ है कंपैरेटिवली उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड में। इसके बाद आज अगर हम बात करें स्वांग की तो स्वांग भी बदला है। स्वांग का जो मूल स्वरूप था मुझे नहीं मालूम, इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ कि सत्य में वो वास्तविक रूप क्या था नहीं मालूम, क्योंकि इम्प्रोवाइज होता था, 15-20 मिनट का होता था। आज वो मूल मंडलियां या वो मूल कलाकार जीवित नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है जिसको हम प्रमाणिक रूप से कह सकें कि वास्तव में स्वांग ऐसा ही था। इसमें तो खैर हमारे भारतीय रंगमंच की भी परंपरा है, क्योंकि हमें नाट्यशास्त्र में जिक्र तो मिलता है चीज़ों का, जैसे हम बात करते हैं दस रूपक, तो नाटकम सब प्रकरण भाण प्रहसनम निमा व्यायोग समुपकार वीथ्य अंगा लगा दी, तो नाटक प्रकरण भाण प्रहसन डिम, तो डिम भाण प्रहसन ये एक प्रकार का स्वांग है, लोकनाट्य है जो प्रहसन के माध्यम से बनता चला गया। लेकिन जब हम शास्त्र के दृष्टि से भी बात करते हैं तो हमारे पास कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं कि परफॉर्मेंस कैसा होता है। रंगमंडप के लिए अगर हम बात करते हैं विकृष्ट चतुरष्ट या त्रियष्ट, तो वो भी एक गोवर्धन पांचाल या जो उन लोगों ने बना के डायग्राम बना के ही अनुमान लगाया, हमारे पास कोई ऐसा बिल्कुल प्रमाणित नहीं मिलता कि ये नाट्य शास्त्र के अनुसार बना हुआ रंगमंडप। उसी तरह से बुंदेलखंड के स्वांग का कोई प्रमाणिक रूप नहीं मिलता कि वास्तव में बुंदेली स्वांग का ऐसा ही रूप होगा। लेकिन मंडलियां सक्रिय रही, कालांतराल में वो अपने स्वांग का मंचन करती रही, जो समसामयिक समस्याएं थी उनको प्रदर्शित करती रही, बाद में धीरे धीरे जो 15-20 मिनट की जगह उन्होंने एक एक घंटे के भी स्वांग करने लगे, कुछ 3-4 स्वांगों को जोड़ के एक बड़ा स्वांग बना दिया, तो मूल रूप से 8 स्वांग का ये स्वरूप हमें मिल रहा है। लेकिन क्या था क्या है इस पर रिसर्च होनी चाहिए, हो भी रही है माध्यम से, और पता लगाया भी जा सकता है कि, क्योंकि कुछ कलाकार का जैसे मैंने 263 इंटरव्यू लिए हैं जिसमें अगर मैं सत्यता से बात करूं तो लगभग 25-30 मूल कलाकार, बाकी कुछ ऐसे थे जो शौकिया करते थे या छोड़ दिया था या कुछ करने पर मजबूर, क्योंकि व्यवसाय का आज उनका वो नहीं बचा है तो स्वभाविक वो छोड़ने पर मजबूर है, या करते भी थे तो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया, या जब थोड़ा थोड़ा कोई फेस्टिवल हुआ ग्रांट हुआ तो उसमें वो लोग परफॉर्म करने लगते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते, तो एक बिगड़ा सा स्वरूप बना हुआ है। और जो सागर अंचल के भी कलाकार हैं, युवा हैं, या अन्य छतरपुर पन्ना दमोह के भी जो कलाकार हैं, तो वो नाटक भी करते हैं और साथ में स्वांग भी करते हैं, तो ये अच्छा है। वैसे इसमें कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए कि स्वांग का मंचन वही करे जो स्वांगिया है या गांव का कलाकार है, एक प्रशिक्षित रंगकर्मी भी स्वांग कर सकता है और करना चाहिए, लेकिन उसका जो मूल कोर है, जो उसका मूलभूत आधार है, वो नहीं बदलना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद समय अनुसार जैसे अन्य भारत की लोक नाट्य विधाएं हैं उनमें अश्लीलता आती चली गई, उसी तरह से बुंदेली स्वांग में बहुत ज्यादा है, खासतौर से राय और जो अन्य नृत्य थे, जैसे मैंने करीला का भ्रमण किया तो कई बेड़नियों के मैंने इंट्रोड्यूस किए, तो मैंने उनसे खुद पूछा, तो बेड़नी बुंदेलखंड की एक ऐसी जाति जनजाति है जिसके बच्चे होते हैं लेकिन शादी नहीं होती, तो इनडायरेक्ट वे में जो परंपरा है वैश्यवृत्ति की, कहीं ना कहीं जो हमारे ही लोग हैं उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित हो रही, क्योंकि जब मैंने उनसे बिल्कुल साफ सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है, तो बोलते हैं कि भाई साहब हम तो नहीं करना चाहते लेकिन आप ही उन्हें देखो चाह सुनकर क्या करें। और एक और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो गया, पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया, तो मैंने थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन पर काम करना शुरू किया रिसर्च पर। 8 महीने काम करने के बाद मैंने उस विषय को छोड़ा, क्योंकि कहीं जब मैं वो रिसर्च कर रहा था तो मुझे
छह महीने आठ महीने बाद ये मालूम चला कि मैं तो एजुकेशन की तरफ चला गया, ये डर तो छूट रहा। तो दोबारा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बुंदेलखंड की कुछ चीजें थी जो मेरे अंतःपटल में थी, जो उनको मैंने रिकॉल किया, जिसकी एक घटना मुझे आज भी याद है। चंदेरी पास में जगह है, चंदेरी में मैं रहा हूँ, चंदेरी मेरी स्टडी रही है। तो वहाँ पर बेड़निया जो मेला होता है, गनगौर का मेला भरता है, उसमें बेड़निया डांस करते हुए आगे जाती थी और उनको देखने का बड़ा मन करता था, लेकिन घर के पापा हो मामा हो वो लोग उनको रोकते थे कि नहीं जाना है। तो एक बार मुंह बोले मामा ने मेरी मम्मी से शिकायत कर दी कि मोनल जो है वो बेड़नी डांस देख रहा है और ये गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी मामा जी को कैसे मारे, आखिरकार मम्मी तो देख नहीं गए तो वो देखने क्यों जा रहा है, मुझे देखने के लिए मना किया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग में थी, तब जाके मैं इस परंपरा पर आया। अभिप्राय ये है कि कोई भी कला कोई भी संस्कृति मूलभूत रूप से अश्लील नहीं होती, समाज उसको अश्लीलता प्रदान करता है, चाहे वो तो व्यवसाय का माध्यम हो चाहे कुछ अन्य माध्यम है। तो इसी तरह से अगर हम इसके लास्ट चैप्टर में मैंने कुछ बात जरूर कही है, प्रासंगिकता की, सबसे पहले जो इसकी प्रासंगिकता की अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बुंदेली स्वांग, क्योंकि बुंदेली स्वांग करने वाले जो हैं वो कोई प्रशिक्षित कलाकार नहीं है, गांव के ही लोग होते हैं, गांव के ही माध्यम से वो स्वांग करते हैं, तो जनमानस के साथ उनकी सीधी सहभागिता होती है, सीधा इफेक्ट करते हैं। दूसरा अगर पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो सभी जो वर्ग हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनका सहयोग मिलता है। तीसरा, ग्रामीण मेले में या अन्य जो आयोजन होते हैं पर्वों में, वहां इस तरह के स्वांग या अन्य लोकनाट्य विधाओं बुंदेलखंड में मंचन होता है, तो कहीं ना कहीं एक व्यवसायिक स्तर भी है जिसमें पान वाला ऊंचे वाला छोटी छोटी जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनका भी कहीं ना कहीं तरीके से इनडायरेक्ट संरक्षण या संवर्धन हो रहा है। इसके बाद बुंदेली स्वांग जो है या अन्य जो स्वांग की भी हम बात करें, उसका दर्शकों के साथ सीधी सहभागिता और जनमानस के साथ भावनात्मक स्तर पर उसका जुड़ाव होता है। स्वांग जो है वो भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ा होता है, तो स्वाभाविक है इसका जो इफेक्ट होगा, जो इसका पॉइंट निकल के आएगा वो सीधा डायरेक्ट जो दर्शक है उस पर इफेक्ट करेगा। विशुद्ध मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति और प्रासंगिकता की और अगर हम पॉइंट में बात करें तो बुंदेलखंड में जो कम साक्षरता दर है उसको भी बढ़ाने के लिए ये अधिक उपयुक्त हो सकता है। और दूसरा एक पॉइंट में अगर डिस्कस करें तो ई मीडिया के मुकाबले ये अधिक ज़्यादा लचीली और कम खर्चीली है। कंपेरेटिवली आज भी हम बात करते हैं तो जितने भी जो टी वी एड है पहले इंग्लिश में आते थे, फिर हिंदी में होने लगे और उसका रीजनल ट्रांसलेटर होने लगा है, चाहे वो बस कुछ और पॉइंट। इसके बाद कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सुझाव, जो मुझे लगते जो उसका मैंने जिक्र भी किया था सर से, कि एक तो रचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन। बुंदेली स्वांग के लिए मूल रूप से हमें कुछ क्रिएटिव जो इस तरह का एक प्रयास हो रहा है इनका बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्वांग का मूलभूत जो भाव है वो ना बिगड़े, जो कथानक है उसमें कोई फेरबदल ना हो और उसके मूल स्वरूप को पहचानते हुए भी जो परिष्कृत या आजकल का रंगकर्मी है उसको भी स्वांग का ट्रेनिंग दिया जाए, विधिवत ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा पॉइंट मैं इसमें जिक्र करता हूं कि राज्य स्तर पर लोक नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्टेट लेवल पर जितनी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें अन्य तरह के लोक नाट्य होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर लोक नाट्यों का ही, और उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि मूल रूप से वो लोक नाट्य हो और उनमें भी आपस में कंपटीशन हो, तब जाके जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर वो सही ढंग से होता है तो स्वभाव से लोक नाट्य को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा बुंदेली स्वांग। तीसरी बात मैं करता हूँ कि युवा महोत्सव में लोक नाट्य का अलग विभाग और अलग प्रस्तुति, जब यूथ फेस्टिवल होते हैं तो उनमें हम खासतौर से स्किप मिमिक्री माइम हिस्टोनिक्स इनकी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बुंदेली स्वांग का भी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि बुंदेली स्वांग का अगर यूथ फेस्टिवल के लेवल पे आप लेकर आते हैं तो सीधा जो यूथ वर्ग है वो उससे जुड़ जाएगा। चौथा पॉइंट
चौथा मैं बात रखता हूँ कि विषय के रूप में अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए, विषय का जो ये जनरलाइज बात है, क्योंकि स्टडी जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका फिर विभिन्न योजनाओं से स्वांग कलाकारों को जोड़कर सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, कला प्रोत्साहन की विभाग की स्थापना। इसके बाद एक मैं अंतिम जो पॉइंट यहाँ पर रखता हूँ, एक मूल्यांकन प्रावधान भी है जो जिसमें पैसे की फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार मूल्यांकन की भी आवश्यकता पड़ना चाहिए और समय अनुसार होना चाहिए। और उसके बाद स्वांग पर शोध विषय के लिए प्रोत्साहन, इसमें अगर मैं बात करूं तो पहली चीज यह है कि शोध होने के नाम पर शोध हो रहा है, असलियत यही है, यहां से डाटा लिया, वहां से डाटा लिया, कॉपी पेस्ट किया और थीसिस बना के सबमिट कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जब रिसर्चर स्वांग के दृष्टि से ये काम करे, जैसे मैंने अनुभव किया, मैं 2 साल तक सागर में रहा, कंटिन्यू रहा, लोकनाट्य की विधा को मैंने खुद सीखा और उसके बाद परफॉर्म भी उसमें किया, तो मूलभूत सत्य मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में स्वांग का जो मूलभूत स्वरूप था वो हमें नहीं मिल रहा, मूलभूत स्थिति नहीं आई। इसके बाद जो चोरी है, अनुकरण है, या जो अन्य हम एक प्री अजम्पशन अवधारणा से ग्रसित हो जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति को मानते हैं या किसी व्यक्ति के अनुयायी हैं, तो हम उसका ज़्यादा जिक्र कर देते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे वो लोक नाट्य स्वांग हो या अन्य चीज़ हो, और जिससे थोड़े से गुस्से में रहते तो उसका हीनतर दृष्टि करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो। तो स्वांग मूल रूप से बुंदेलखंड के स्तर पर मैंने ये अनुभव किया और मैं निरंतर स्वांग खुद कर रहा हूँ और प्रयोग के रूप में भी डिपार्टमेंट में भी पढ़ा रहा हूँ और जो मेरे सहयोगी हैं अलग अलग जगह उनसे भी, खास तौर से हम ये करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज लेवल है वहाँ पर भी स्वांग को विधिवत हमने सिलेबस में इन्वॉल्व किया है, उनको स्वांग की ट्रेनिंग, जैसे लगातार जो ग्वालियर में मेला होता है प्रतिवर्ष, उसमें बुंदेली लोकनाट्य स्वांग का मंचन हम करते हैं विशुद्ध रूप से, या हम तो इस ढंग से बढ़ाया जा सकता है। और स्वांग बुंदेलखंड की बहुत अच्छी परंपरा है, उत्कृष्ट परंपरा है, और इसमें खास तौर से जो युवा रंगकर्मी हैं संजय भाई जैसे और संगीत नाटक अकादमी, जो इतने बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज में आयोजन होते थे, आज वो ग्रामीण स्तर पर आंचलिक स्तर पर आना, ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं उसकी उत्कृष्टता को बढ़ाना है, क्योंकि जो लोक के कलाकार हैं वो लोक में हैं, ग्राम अंचल में हैं, उसका शास्त्रीय परंपरा पर या रविंद्र भवन में या बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में उनके दर्शक उतने नहीं मिलेंगे। तो जब जो मैंने नहीं देखा, शायद जो संजय भाई ने नहीं देखा, आज वो जो हमारे युवा हैं जो 12-12 15-15 साल से 20-20 साल के हैं, वो यहीं पर लोक नाट्य के प्रदर्शन देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके मन में एक उत्कृष्ट भावना पैदा होगी और अपने लोक संस्कृति जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इस तरह से स्वांग के प्रति मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और वर्तमान रंगमंच के प्रति भी पॉजिटिव हूँ बुंदेलखंड को लेकर, क्योंकि बुंदेलखंड के जो युवा कलाकार हैं वो उत्कृष्ट रूप से उस पर काम कर रहे हैं और ये परंपरा बढ़ती रहे। आपने मुझे बुलाया और इतना समय दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशी। निश्चित रूप से स्वांग अच्छी ही परंपरा है, तभी वो चल रही है। ये है कि चीज़ें में बदलाव आते रहते हैं और स्वार्थ जो है विकृतियाँ लाता रहता है, लेकिन कोई भी परंपरा स्वार्थ के लिए नहीं बनी होती, वो स्वास्थ्य के लिए बनी होती है। तो ये स्वस्थ परंपरा समय के जरूरतों के साथ हमारे अपने स्वार्थों से टकराते हुए कई सारी विकृतियों को लेकर के चलती है, और ये हमारा दायित्व तो हो जाता है कि हम जब ये समझते हैं कि ये विकृति है तो उसे दूर करें। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम जिसे विकृति समझते हैं कई लोगों के लिए वो स्वीकृति होती है और कई लोगों के लिए वो आजीविका होती है, जो हमारा ही समाज उनको सौंपता है और हमारा ही समाज उनको एक तरह से मजबूत करता है। नाटक के मंचन को उत्कृष्ट बनाने के लिए स्वांग की उस मूलभूत चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी भी लोक नाटक का अगर आप इस्तेमाल करके अपने नाटक का मंचन उत्कृष्ट बना दें तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय है। वनस्पत मूल स्वांग की जो अवधारणा है वो बराबर रहे और नाट्य प्रयोग में भी अगर नाट्य सफल हो और स्वांग का भी मूलभूत सिद्धांत रहे तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं है, स्वांग का प्रयोग ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैडम से महिला बाल विकास करके साईं बाबा एक बड़े बालों वाले, उन्होंने बहुत सारे नाटक बच्चों के लिए उनकी किताब चला कर समाप्त, उसमें बहुत अच्छे नाटक।
एक मैंने पत्रिका लिखी है उसमें बहुत छोटे छोटे नाटक हैं, उसका नाम है किताब है खेल खेलना सीखे, करीब 25 छोटे छोटे, लेकिन वो स्कूलों में मैंने दिए और कराए थे, वो उनकी अवधि 3 या 4-5 मिनट रहती है, पात्र ठीक है। तो वो मैं आपको भेंट करना चाहूँ, क्या संजय जी को दे दूँ? हमें भी दे सकते, संजय जी को भी दे सकते हैं। और बच्चों के साथ यही है कि बच्चों के आप जितने भी नाटक ढूंढने जाइए ना, बस सवाल 3 पेज से 6 पेज के उससे ज्यादा के हैं, है ना। और हम आज की तारीख में अभी आपसे संदर्भ जो बोलते ना, बच्चों का रंगमंच होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये जो सारे सवाल है, तो जब हम बोलते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी है देश की युवा, तो जब युवा होएंगे और वो नाटक करेंगे तब वो रीढ़ की हड्डी बनेंगे। ऐसा नहीं, बचपन से उन्हें वो संस्कार दिया जाए, क्योंकि तो वो युवा तक आते आते तो वो ठीक नहीं पाते। और हम गौर करें, बहन की बात में जोड़ता हूँ कि बुंदेलखंड पे भी आप गौर करें तो हमारे बालकों के जितने भी खेल मनोरंजन नारे सुगाटा या इत्यादि चीज है वो एक प्रकार का स्वांग है और बाल नाटक भी है। लोक की शैली से आगे बाल परिष्कृत होता है। बालपन अपना बच्चे का जो है, हम बचपन में उसमें स्वांग देखना चाहते हैं कि जो बच्चा स्वांग करता है माँ बाप झूठ बोल रहा होता कि चॉकलेट नहीं खाई है, वो दरअसल हमें स्वांग प्रेमी है, मनुष्य होता ही है स्वांग प्रेमी। एक छोटा सा निवेदन और, हमारे बुंदेलखंड में एक विधा तो न कहे, एक सिस्टम है जिसको अहाने बोलते हैं। मैंने करीब 70-80 अहाने इकट्ठे किए बड़ी मुश्किल से, और शायद अकादमी वाले कह रहे थे गेटों में छा, मुझे लगा कि उनमें जो नाटक तत्व है वो अभूतपूर्व। और आप कहें तो एक तो मैं एक गांव में एक आदमी रहते हो तो वो बहुत सीधो साधो, उनके पास में मोहल्ला वारी जो चाहे चीज़ें ले जाओ फिर लौटा, उतना परेशान बहुत परेशान रहता था। तो एक जनन ने समझाओ तो क्या कछु चीज़ें खत्म ना देबू करे, तुमने की अब कैसे मना कर दे। अरे बोले को महान अपना दे, बोले अब की बना दे हम बहाने। तो भाग से दिवाली का टेम लंबादार को पोत में खिला रहे नशे नहीं जाने की आकर, और बोले कि हमें नशे नहीं दे दो, बोले नशे नहीं नशे नहीं दाऊ हम दे तो देते ही नशे नहीं, लेकिन जो आपकी बहू है ना तो बापे की मैं रख के हूँ तारों लगा के कर गई। बोले नशे नहीं भाई रे, कोई बहाना बनाने दो तो ढंग से बना ले। बोले अब मतलब तो आप समझ ही गए। अगर आप ऐसा हो सर, राम नारायण शर्मा का नाम सुनाओ झांसी से, उन्होंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान, उन्होंने लेकिन उनके जो कहानी है उन्होंने उसमें फूक वाला जो मजा है वो खत्म किया, साहित्य कर दिया ठीक है ना। जो इनका पसंद तभी है कि जब इनके मुंदेली में सुनाया जाए, मुंदेली के आगे 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 खड़ी वो ये बोले मुंदेली लोग का बहुत कलेक्शन मुंदेली लगा है। छोटा सा और है, बिल्कुल छोटा सा, आप कहीं से हो कर सकते हैं। सुनाइए सुनाइए। एक गांव का एक आदमी है, तो उसकी एक आदत है कि हर चीज में पीक निकाल दी, कमी निकाल देता था, तो लोग बात बहुत परेशान ठीक करने। तो एक दार सबरे मिल कर लक्ष्मी जी उन्हें गए कर लगे, तो मैं इनको नहीं होता तो कर लो, और फिर देखा तो जो कछु कमी निकाल पाओ कि नहीं निकाल पाओ। सुन लीजिए, स्थानीयता ही आपको पहचान पहचान, क्योंकि आपकी स्थानीयता जो है ना उसमें आपका कमांड होता है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। आपने स्वांग के बारे में इतना कुछ बताया, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर मेरे मन में सवाल है कि हम स्वांग करते क्यों? अगर इसको बहुत व्यापक दृष्टि में देखें तो जैसा मैंने शब्दों के अर्थ में ही अगर हम गौर करें कि रूप रखना, नकल करना,
या किसी का स्वरूप को बनाना। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत एक शिक्षक है जो बहुत विद्वान है, लेकिन अगर उस विद्वत्ता के साथ साथ वो पढ़ाने का अच्छा अभिनय करेगा, अच्छा स्वांग करेगा, तो उसकी बात और ज्यादा प्रभावी रूप से समझ आएगा। माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जैसा थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि टॉफी खाई है, लेकिन वो बता रहा है कि टॉफी नहीं खाई है, एक तरह का वो स्वांग ही रखता है। तो अभिप्राय अगर हम मूल कोर में देखते हैं तो अपनी बात को और ज्यादा एक्सप्रेशन करने के लिए और ज्यादा पावरफुल ढंग से संप्रेषित करने के लिए स्वांग का इस्तेमाल है। और भी बहुत सारे मंतव्य समय अनुसार बदले, जैसे बहरूपिया, बहरूपिये का मतलब एक तरह से जासूसी की तरह इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे स्वामियों के नाम हम पढ़ते हैं, राजाओं ने उनको विधिवत रखा था, इसके बाद जो खुफिया जानकारी होती थी उनके लिए स्वांगियों का इस्तेमाल करते हैं। और सारा प्रयोजन हम एक पढ़ते हैं पागल वेशम नाम के स्वांग, जैसा बहरूपिया या स्वांग होता है ऐसी तरह से मद्रास तरफ पागल वेशम होता है, उसमें एक पति और पत्नी दोनों बीच, जैसे आप चौराहा लगा लीजिए हॉस्पिटल चौराहा, यहाँ आइए आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तुमने ये कर दिया दो कर दिया और फलाना ठिकाना, आपस में मतभेद हुआ और पति कहता है कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें, पति चला जाता है, महिला रो रही है बिलख रही है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी, ये क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद गांव वही आसपास के लोग आते हैं, कोई 10 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई 20 रुपये, और 2-3 घंटे बाद वो पति जाता है, और कितने घंटे हो गए। तो ये स्वरूप है, 50 साल पहले की बात, मेरे पिताजी घटना बताते हैं, आज स्वरूप बदला है 50 साल पहले, मैंने नहीं देखा। गांव में ताड़ोल मोड़ के पास में एक गाँव है ताड़ोल, हवलदार पुलिस वाले का टेरर होता था, गांव में पहुंच गए और एक सरपंच जो थे उनको पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारे बच्चे ने, और बिल्कुल एक्टिव होते थे वो, बिल्कुल अपडेट रहते थे, जिसको हम बोले कि किसके घर में क्या हुआ है, कहां क्या चल रहा है, सामाजिक जो जिसको सूचना तंत्र हम बोले परिष्कृत सूचना तंत्र बहुत तगड़ा रहता था। अब पूरा सरपंच कांप रहा है कि पैसे लगा लूं और तुम्हारे बच्चे ने ये किया है और वो किया है, और सब उसके सामने खड़े हैं, और अल्टीमेट बात 25,000 से शुरू होते होते वो करके 5,000 पे हो जाते हैं। ठीक है 5,000 तो निकाल के देते हैं, और जैसे देते हैं वो स्वांग किया सरपंच साहब के पैर पकड़ लेते, बाबू साहब माफ कर दो हम तो स्वांग किया बहरूपिया था, स्वांग किया था वो, एक तरह का वो स्वांग था। अब देखिए स्वरूप समाज कैसे बदला, उस स्वांगियों को वो गले से लगा के कहता है वाह यार क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल धड़कने बढ़ा दी थी और हार्ट अटैक से मार देते। एक वो दूध था कि अभिनय के बाद उसको सम्मान मिला, प्रोत्साहन मिला, लेकिन आगे ही इतना कोई भी कर देता है सीधा जेल के बाद। तो समाज बदला, सोसाइटी बदली, इसलिए स्वांग को बढ़ाने के रूप में भी तो इस्तेमाल करते कई जगह, किसमें आहाने के, बिल्कुल 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 करते, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रयोजन अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर उसका स्वरूप बदल। मुझे मेरे ख्याल से जवाब मिल गया आपका, है ना, तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जितनी भी जीवित चीजें हैं वो दरअसल स्वांगी, तो स्वांगी मतलब हमारा सीखने का तरीका है। आप शेर को देखें वो अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से युद्ध का स्वांग रचता है, मतलब पकड़ने का स्वांग रचाता है, बकरियां वैसे स्वांग रचाती हैं, कुत्ते स्वांग रचाते हैं, हम देख लीजिए अपने बच्चों को, सिर्फ मनुष्य ही भी कोशिश करता है, मनुष्य भी कोशिश करता है, लेकिन इतनी व्यवस्था व्यस्तता होती है कि वो अपने बच्चों के साथ स्वांग खेलना खेलना, और कहीं जा करके फिर उसको आघात तब लगता है जब बच्चे बड़े हो करके उसके स्वांग पर विश्वास नहीं करते, कैरेक्टर चरित्र में बदल जाते हैं। तो बेहतर समाज के लिए यही है कि बच्चा हमारा चरित्र में तब्दील हो जाए, एक शास्त्रीय रूप ले ले, उससे पहले उसके साथ जो है खूब सारे स्वांग खेल लें और उसे स्वांग खेलने की इजाजत दें ताकि वो चरित्रों को समझ सके। मैं मधुबनी तुलसी साहब का और मैं तुलसी साहब वास्तव में ये दोनों है जिसका हम सभी लोग कॉल करते हैं, और निश्चित ही स्वांग नहीं होगा तो व्यवस्था है, हम अपने माँ बाप को जाने के लिए कुछ अपन काम करते हैं, बच्चे समय जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, स्वांग बहुत जरूरी है जीवन में। अभी मैंने एक बच्चों की एक बात के मन में समाई होगी कि बच्चा क्या चाहे थे, कि दुनिया जो आज जो बच्चे देख रहे हैं उसको पसंद नहीं करते, वो क्या चाहे थे, तो बच्चों को क्यों आगे नहीं होने दिया जाता है, इसके लिए मैंने चार नारी मुझे भी रुके होंगे। बड़े काय के बड़े
जो स्पाइडर के छोटों के पीछे पड़े, बड़े जो अपने से छोटों के पीछे पड़े, बड़े तो वे हैं जो अपने से छोटों के पीछे खड़े, पीछे खड़े हो रहा है तो निश्चित है कि हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न भी बताते हुए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने स्वान के बारे में सबकी जिज्ञासाओं को शांत भी किया है और ये कार्यक्रम अपने उत्कर्ष तक पहुँचता है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी अपने मूल रूप में आ रही है और ये तीसरे दिवस का पहला सत्र व्याख्यान का ही पूर्ण होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लोक धारा लोक का जो प्रदर्शन है वो भंडार में होगा। आप सभी वहाँ के लिए आमंत्रित हैं। नमस्कार।